खुल के बोले मर्द की तरह, यदि माँ का दूध पिया है तो बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं पसंद करते हैं। भोजपुरी छोड़े के बा खूटा ठोक के हिंदी संस्कृत भोजपुरी मगही सबके सपोर्ट के बाद बा। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यदि आज की हम बात करें 13 मार्च को आज कांग्रेस के द्वारा भारी संख्या में विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं और राजभवन घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। और वहीं यदि हम बात करें प्रशासन की भी पूरी तैयारी है, विभिन्न जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। ये राजभवन घेराव क्यों है हम आगे विधायकों से सुनेंगे। तो वहीं यह जो राजभवन घेराव का कार्यक्रम है वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो जो बातें अभी निकलकर जो सामने आ रही है, काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है कांग्रेसियों में। तो वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कही है बड़ी बात, और बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा है हम आगे सुनेंगे। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये आक्रोश है। लोग बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़ करके सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये क्यों है आक्रोश, हम आइए चलते हैं और बात करते हैं। लेकिन इस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बता दें कि फिर से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भोजपुरी हिंदी संस्कृत को लेकर कही है बड़ी बात। क्या कुछ कहा है उन्होंने हम आगे सुनेंगे। तो वहीं इसी बहाने भाजपा को भी लिया है लपेटे में, जो भाषा विवाद को लेकर बातें लगातार चल रही है। हम आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा, और जो ये तस्वीरें हैं वो खुद आप देखें कि आक्रोश किस तरह से है कांग्रेसियों में। ये आक्रोश पिछले 9 साल से है। देश में बढ़ती महंगाई और देश की हमारे ये प्रधानमंत्री जो बोलना तो जानते हैं पर सुनना नहीं जानते, ऐसी तरह से सरकार को कांग्रेस पार्टी उखाड़ के फेंकेगी 2024 में। देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, पर इस मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाई साहब कैसे बेटी पढ़ाए, बेटी तो मुझे इन बलात्कारी भाजपाइयों से बचा रही है। देश की ये सरकार, ये तानाशाह अहंकारी सरकार को 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इन्हें उखाड़ के फेंक देगा। केंद्र के सरकार का ये तानाशाही रवैया चल रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश कांग्रेस के आज हम लोगों ने राजभवन घेराव का ऐलान किया है। जिस तरह मोदी अंबानी की दोस्ती आ रही है ये अब नहीं चलने वाली, युवाओं में जो जोश दिख रहा है ये अब ज्यादा टिकने वाला नहीं। हम लोग पूरे आज झारखंड प्रदेश इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे। मोदी अंबानी की जो दलाली चल रही है और SBI और LIC का पैसा, जनता की पैसा को जो अपने पूंजीपति दोस्तों के बीच में बांट रहे हैं और इलेक्शन का खर्चा निकालने का तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी। इसका पुरजोर कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है। ये आज ही नहीं, हमेशा जब से 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि हम महिलाएं सड़क पे ही दिख रही हैं। घर का चूल्हा चौकी सब छूट गया है, क्योंकि घर का जो बजट है वो भी अनबैलेंस हो गया है, महंगाई चरम सीमा पे है। आप देख रहे होंगे कि गैस सिलेंडर और तेल के दामों में वृद्धि हुई है। आप देख रहे हैं कि LIC का पैसा, SBI का पैसा, उसको भी ये लोग कूटनीति के तहत अडानी और अंबानी को पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। देश की जनता का खून पसीना की गाड़ी कमाई को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सोची समझी साजिश के तहत लूट हुई है,
SBI LIC में जिन लोगों ने निवेश किया था उनके पैसे का बंदर बांट कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री कहते थे कि हम चौकीदार हैं और चौकीदार के नाक के नीचे से पहले नीरव मोदी भागा, मेहुल चौकसी भागा, सुब्रतो राय भागे, अभी इतना बड़ा इस देश में घोटाला हुआ है कि लगता कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीनिज बुक में नाम लिखाएगा। 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का गबन हो गया। पहले लाखों करोड़ रुपया उनके कर्ज माफ हुए, बाद में डायरेक्ट गबन हो गया। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ सैद्धांतिक तौर पे विरोध करने के लिए हम राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब से सरकार ने हिंदी और संस्कृत को नियोजन नीति का पार्ट बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। तो भाजपा के लोग बताएं, खुल के बोले मर्द की तरह, यदि माँ का दूध पिया है तो बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं पसंद करते हैं, संस्कृत हम नहीं पसंद करते हैं। तो वो हम उनसे पूछते हैं कि वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में जितना हमारा वेद पुराण है सब संस्कृत में लिखा है, तो क्या वो बोल सकते हैं कि वेद पुराण में जो संस्कृत लिखा हम विरोध करते हैं, नहीं मानेंगे उसका? तो हम तो कह रहे हैं कि ओम भूर्भुव स्व तस्व मितुर बरेड़ियम भर्गो देव से धीमहि धियो यो ना प्रचोदयाता। लेकिन लेकिन बना जी, आप लगातार बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आप यहाँ भी भोजपुरी को छोड़ नहीं रहे। अरे कैसे भोजपुरी को छोड़ेंगे भाई, भोजपुरी छोड़े के बा, बड़कन के रबड़ी सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी बानी जा खूटा ठोक के हिंदी संस्कृत भोजपुरी मगई सबके सपोर्ट के बाद बा। की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।